सिटी हलचल न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। मिड डे मील रसोईया कर्मचारी यूनियन ने 4 महीने से वेतन न मिलने पर चूल्हा बंद करने की चेतावनी दी है। बस्ती जिले के दुबौलिया ब्लॉक के अंतर्गत रसोईया कर्मचारी यूनियन ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता रीता सिंह ने की। सभा को संबोधित करते हुए रसोईया कर्मचारी यूनियन के ब्लॉक मंत्री राम निरख यादव ने रोष जताते हुए कहा कि सरकार रसोइये के साथ घोर अन्याय कर रही है, जिस कारण सभी रसोइया परेशान हैं और वो अपना व अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। 8 घंटे स्कूलों में काम किया जा रहा है, लेकिन वेतन के नाम पर सिर्फ 1500 रुपये महीने मिलते हैं, वो भी 4 महीने से सरकार नहीं दे रही। रसोईया कर्मचारी यूनियन के नेता रीता सिंह ने कहा कि रसोईया कर्मचारी यूनियन का राज्य सम्मेलन 25/9/2022 को बस्ती प्रेस क्लब में होगा और 26/9/2022 को रसोईया कर्मचारी यूनियन चूल्हा बंद करके डीएम आवास पर प्रदर्शन करेंगे व डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर समय रहते सरकार ने रसोइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में राज्य स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। राम निरख यादव ने रसोइयों से अपील करते हुए कहा कि 26/9/2022 को चूल्हा बंद करके डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे। सभा में मुख्य रूप से अरुमला कुसुम कला आरती कुशलावती बदामा सरिता मौजूद रहीं। रिपोर्टर सुनील कुमार। इनका मानदेय ना आने के विरोध में हम लोग जो है 26 तारीख को जो है जिला पर धरना देंगे और हम लोग का मानदेय जो रुका हुआ है उसके खिलाफ धरना देंगे। 4 महीने का हमारे रसोईया का मानदेय रुका हुआ है, अगर सरकार इसको भेजेगा नहीं तो हम लोग जो है आने वाले आगामी अगले हफ्ते धरना देने के बाद हम लोग जो है विद्यालय में खाना बनाना बंद करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी हम बताते चलेंगे कि 26 तारीख दिन सोमवार को सारी बहनें जो है विद्यालय में चूल्हा बंद करके डीएम कार्यालय पर धरना देंगी।